हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रॉन गैन एन थेल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेडिंग डालिए फटाफट। और इसमें लिखना है आपको क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें लिखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेडिंग डाल लीजिए फटाफट। पढ़ गए? चलिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हो गया? चलिए देखिए, न्यूक्लियस, पहली, दूसरी। तो देखिए, हमें इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, इलेक्ट्रॉन डालने के लिए। तो गैसीय परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो कहाँ डालेंगे? बाह्य कोष में डालेंगे, क्योंकि बाह्य कोष ही पूरा नहीं होगा हमारा, संयोजी कोष पूरा नहीं होगा, संयोजी कोष के ही सब भाग लेते हैं ना बंद। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन डालना है, ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन। तो अब पॉइंट है कि एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है ना? या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होगी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है ना? साइज छोटा है, ऑक्सीजन पर पढ़ रहे हैं, ओ एस एस ई टी ई पी ओ। आप जाते हो कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, साइज यानी कि आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? प्रभावी, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, जेड एफ का मान घटता है, यानी कि अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल घटता है। अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है, या न्यूक्लियस का जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो घटता है। अब वो घट रहा है, तो जैसे जैसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता जाएगा, यानी कि दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाए चार्ज कम होता जाएगा, चार्ज कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हम सरलता से डाल सकते हैं। साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन सरलता से नहीं डाल सकते, आकर्षण बल ज्यादा होगा नाभिक और अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर। तो सिंपल से फंडा क्या निकल के आया? ओ एस एस ए टी ई पी ओ। क्या निकल के आया? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी घटती है, क्योंकि आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, ठीक है ना? आकार बढ़ता है इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, जिस कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान भी घटता है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम और पोलोनियम की सबसे कम होगी। तो मैंने क्या बोला है, क्लियर पॉइंट हो गया? चलिए लिखिए, देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान घटता है, घटता क्योंकि क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर
आकार बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, जेड एफ प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान घटता है। इसको बना दीजिए उसके नीचे। हो गया। चल अगली रीडिंग है, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक, देखो जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे आ रहे हैं धात्विक गुण बढ़ रहा था, जो धात्विक गुण बढ़ रहा है तो वहां पे आयनिक बंध बनने के चांस बढ़ेंगे, और जब आयनिक बंध बनेगा तो वहां पे आयनिक यौगिक बनेंगे, और आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आए धात्विक गुण बढ़ रहा था, मतलब आयनिक बंध बन रहे थे, आयनिक बंध यानी कि आयनिक यौगिक बनेंगे, और आयनिक यौगिकों के क्लास फर्स्ट ईयर में आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ता है, गलनांक एवं क्वथनांक का मान बढ़ता है। हो गया, चलिए नोट कर लीजिए। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ता है। बढ़ता है क्योंकि क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है, जिससे आयनिक यौगिक जिससे आयनिक यौगिक बनने का गुण उत्पन्न होता है, अतः आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। हो गया, हो गया। चलिए अब देखिए हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता, हेडिंग है हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता। ठीक है, हाइड्रोजन के प्रति हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता क्रियाशीलता हो गया। तो देखिए इसमें मैं कुछ पॉइंट लिखाता हूं। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाता है H2O, सल्फर बनाएगा H2S, H2SE, H2TE और H2PO। ठीक है,
ये कंडीशन बनेगी हमारी। तो सबसे पहला है हाइड्रोजन बंद, हाइड्रोजन बंद कौन कौन बनाएगा फटाफट याद करके बताइए मुझे, क्योंकि आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या शर्तें थी? आकार छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता उच्च, और साथ में हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। आकार छोटा है, सबसे छोटा है, इसमें आकार किसका है? ऑक्सीजन का। विद्युत ऋणात्मकता किसकी उच्च है? ऑक्सीजन की। साथ में हाइड्रोजन है, हाँ है, तीनों कंडीशन ये मानता है। सल्फर का आकार छोटा नहीं है, विद्युत ऋणात्मकता उच्च नहीं है, ना ही एसई की, ना ही टी, ना ही पीओ। तो सिंपल सी बात है कि ये हाइड्रोजन बंद बनाता है और ये हाइड्रोजन बंद नहीं बनाते हैं। साड़ी सी बनानी है या अपना लिख लेना, ठीक है? पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट देखिए, तापी स्थायित्व, तापी स्थायित्व, इस पे गौर करना, इस पे गौर करना, ध्यान सुनना मेरी बात को। तापी स्थायित्व जो है बॉन्ड लेंथ पे निर्भर करता है, बंद लंबाई, बंद लंबाई पे निर्भर करता है। कैसे? देखो, सभी में हाइड्रोजन सेम है, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन को सेम रखेंगे, इतना बड़ा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का साइज लगभग बराबर होगा, तो इनके और इनके केंद्र की बीच की दूरी देख लो। उसके बाद में हाइड्रोजन तो सेम रहेगा, लेकिन सल्फर का आकार थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है ना? हो गया। फिर इसके बाद में हाइड्रोजन का सेम रहेगा आकार, लेकिन एसई का आकार थोड़ा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब चेक कर लो, H2 उतना ही रहेगा, लेकिन TE का आकार थोड़ा बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से H2 वही रहेगा, पोलोनियम का आकार और बढ़ जाएगा। तो देख रहे हो ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की दूरी कम है, यहां पे हाइड्रोजन और सल्फर के बीच की दूरी थोड़ी ज्यादा हुई। यहां देखिए, जैसे साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। देखो, इसमें बड़ी है और इसमें छोटी है, इसमें और बड़ी हुई, इससे बड़ी हुई, इसमें थोड़ी और बड़ी हुई, इसमें और बड़ी, इसमें सबसे ज्यादा बड़ी है बॉन्ड लेंथ। तो ये बंद लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है ना? तो हम वर्ग में जब हम क्रियाशीलता की बात करेंगे, H2O, H2S, H2SE, H2TE और H2PO, ध्यान सुनना हमारी बात। तापी स्थायित्व मतलब ताप बढ़ाने पर, मतलब किसमें मुझे ताप देकर अधिक ताप देना होगा तब जाके वो टूटेगा। सिंपल सी बात है, यहां पे साइज बॉन्ड लेंथ छोटी है, अब बंद जितना छोटा होगा उसे तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इतना बड़ा है आप तोड़ सकते हो बॉन्ड, इतना बड़ा तोड़ सकते हो, इतना बड़ा हो इसको तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे ऐसे। तो यहां पर वही पॉइंट है हमारा, H2O में बॉन्ड छोटा है, बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो इसका जो है इसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसमें बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, बंद लंबाई अधिक है, बंद लंबाई अधिक है, ये सरलता से टूट जाएगा। तो याद रखना, जितने बंद लंबाई जितनी ज्यादा होगी वो बंद उतनी सरलता से टूटता है, जो बॉन्ड जितना छोटा होता है वो बंद उतनी ही प्रबलता से टूटेगा, यानी कि उतनी अधिक एनर्जी लगानी पड़ेगी उसमें। हो गया, चलिए आगे देखिए। अगला है अपचायक प्रवृत्ति,
अपचायक प्रवृत्ति। समझिए ध्यान से, अपचायक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना, जो हाइड्रोजन निकालता है या दान करता है देता है वो अपचायक अच्छा होता है। इसमें बॉन्ड लेंथ जो थी वो कम थी तो इसे तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जबकि यहां पर क्या था, बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, उसे तोड़ना सरल था। तो जितनी जल्दी से टूटेगा उतनी जल्दी से एच निकलेगा, तो यहां पे सरलता से टूटेगा, यहां सरलता से टूटेगा, सरलता से एच प्लस निकलेगा, सॉरी एच निकलेगा। तो यहां पर जो है बॉन्ड लेंथ, बंद लंबाई अधिक है, बंद लंबाई अधिक है इसलिए बंद सरलता से टूटेगा, एच जल्दी टूटेगा, एच जल्दी निकलेगा। यहां पे बॉन्ड लेंथ कम है, बंद लंबाई कम है, तो बंद को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी लगानी पड़ेगी, अधिक एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब बंद यहां से एच जो है थोड़ा देर में निकलेगा। तो सबसे अच्छा अपचायक कौन है? ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये सबसे बेकार है। आगे देखिए, क्वथनांक और गलनांक, समझिए इस पॉइंट को तो ध्यान से। क्वथनांक की जब भी बात आए तो ऐसा मत करना इन बंधों को तोड़ना, इनको तोड़ने की बात नहीं होती है, किनको तोड़ने की बात होती है वो देखिए, तोड़ने की बात होती है जैसे कि ये H, फिर ऐसे एक दूसरा H2 का अणु होगा, ऐसे ही तीसरा अणु होगा H2O का, ये एक दूसरे से जुड़े होंगे, ये एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है ना, इनको तोड़ने की बात हो रही है, इनको H2O के इनको अणुओं को, इनके अणुओं को तोड़ने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो H2O के अंदर ऐसे ही अणु एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, जुड़े होंगे, तो यहां पर जो है इनको अलग करना है, इस अणु को अलग करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, तो किसमें आसानी से हो जाएगा? इसमें। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो है हाइड्रोजन बंद होता है, हाइड्रोजन बंद होता है तो अणु पास पास होंगे, अच्छे से जुड़े होंगे, लेकिन इनमें हाइड्रोजन बंद नहीं होता है तो ये अणु जो होंगे इतने ज्यादा एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहे होंगे, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बंद है तो इसलिए अच्छे से एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो यहां पे लिखिए फटाफट क्या होता है, पॉइंट को सुनना, ध्यान समझना, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड था तो इसका सबसे ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर एक हमारे पास में H2PO है, मैंने बोला था इसमें जो है PO क्या है, एक पुअर मेटल है, पुअर मेटल है तो यहां पर क्या बनने लगेगा, आयनिक बॉन्ड बनने लगेगा, और जहां पर आयनिक बॉन्ड बनेगा वहां पर आयनिक यौगिक कहलाता है, और आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, तो ये पुअर मेटल है, थोड़ी इतनी अच्छी मेटल नहीं लेकिन एक मेटल है, तो इसके अंदर जो है आयनिक बंद बनते हैं, लेकिन वो जो बंद है वो इतना प्योर नहीं होता, इतना अच्छा नहीं बनता है जो हाइड्रोजन बंद से अच्छा हो। तो यहां पे कह सकते हैं क्रम H2S, H2SE, H2TE, H2PO और H2O, यहां पे H2O का सबसे ज्यादा होता है, फिर H2PO का, फिर H2E का और H2SE, यहां पे सबसे खराब है हमारा H2S। देखिए इसमें हाइड्रोजन बंद बनता है और इसमें आयनिक लक्षण उत्पन्न होने लगता है, आयनिक गुण उत्पन्न होने लगता है, इसलिए इसमें जो है इसकी तुलना में थोड़ा कम रहता है, लेकिन बाकी सबकी तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। अब यही कंडीशन इसमें भी रहेगी, ठीक है ना, लिख लेना इसको। अगली हेडिंग है बंद कोण, बंद कोण क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, बॉन्ड एंगल क्या क्रम है, ध्यान से देखना, H2O इसको मिटा देता हूं, ऊपर लिखूंगा थोड़ा आपको बताना भी है, इसको मिटा रहा हूं मैं, बॉन्ड एंगल, ध्यान सुनिए समझिए,
बंद कोण, ठीक है ना, बंद कोण, समझिए। स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, ठीक है, सभी में स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, हो गया। देखो बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं, ठीक है ना, सुनना ध्यान समझना। अब यहां पर क्या होगा, एक पॉइंट बीपी, बीपी बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्जन अच्छा होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की तुलना, इसकी तुलना में यहां पे थोड़ा कम, इसकी तुलना में यहां पे ज्यादा। सबसे बेकार रिपल्जन मतलब प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तो देखिए यहां पे लोन पेयर है, लोन पेयर के बीच में रिपल्जन लगेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर पे, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर रिपल्जन डालेंगे, मतलब प्रतिकर्षण डालेंगे, इनको अपने से दूर करेंगे। इलेक्ट्रॉनों से बने ना बॉन्ड, रिपल्जन होगा। अब इसका आकार छोटा है तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये भी एक दूसरे पर अच्छा खासा रिपल्जन डालेंगे। यहां पे साइज बड़ा है तो यहां पर इनका और इनका जो है रिपल्जन उतना ही लगेगा जितना ये लोन पेयर लगा रहे हैं, लेकिन यहां पे साइज बड़ा है तो इसलिए यहां पे जो हमारा है रिपल्जन इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। यहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इन पे जो रिपल्जन लग रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के द्वारा, वो तो ठीक है, अच्छा है, मतलब जितना यहां उतना यहां। लेकिन जब यहां पे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करते हैं तो साइज सल्फर का साइज बड़ा है इसलिए ये इतना रिपल्जन नहीं लगाते हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो इनमें जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है इनके बीच में जो रिपल्जन है वो ज्यादा लगता है, इसलिए जो कंडीशन हमारी निकल के आती है वो ये आती है, सबसे ज्यादा इसमें होता है, फिर इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। क्योंकि आप जा रहे हो नीचे, देखिए जा रहे हो तो नीचे आपका साइज बढ़ रहा है और साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन कम होता जाएगा, सबसे ज्यादा यहां पे लगेगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन, क्योंकि यहां पे साइज छोटा है, इनमें साइज बढ़ता जा रहा है तो रिपल्जन किसके बीच में, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा। हो गया, नोट हो गया ना, आगे लिखिए। बिठा दे, चल अगले हेडिंग इसमें लिखिए अम्ली प्रकृत, अम्ली प्रकृत जो सरलता से क्या निकाले, H प्लस निकाले, ठीक है ना, जो सरलता से H प्लस निकाले। साइज छोटा है H निकालना मुश्किल है, जाने नहीं देगा, साइज बड़ा है आराम से जाने देगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है और एच आराम से निकल भी जाएगा क्योंकि भैया देखिए साइज बड़ा है, उसका कोई ध्यान ही नहीं है बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों पे, सिंपल सा फंडा है। तो यहां पे अम्ली प्रकृति देख लीजिए बढ़ रही है, बढ़ती है, बना लोगे ना, H2O, H2S, H2SE, H2T, H2PO, ये क्रम होगा, सबसे ज्यादा H2PO अम्ली होता है। उसके बाद में O2 से क्रिया, O2 से क्रिया, ठीक है ना, क्या होता है देखिए,
तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ये वाले नहीं है इसमें, ये अलग से हैं आपके, ठीक है ना, ये इसके लिए है, ये बता दिया ये अलग से है O2 से क्रिया, ठीक है ना, ये अलग है, ये इसमें था ये अलग है, तो O2 से क्रिया देखिए क्या करेंगे, O S S E T E P O, ये तो क्रिया करेगा नहीं, और ये क्या करेगा SO2 या SO3 बनाएगा, ठीक है ना, और ये बनाएगा SeO2 TeO2 और ये कुछ नहीं बनाता, ओके, तो O2 से जो क्रिया है सल्फर बनाता है SO2 SO3 SE बनाता है SeO2 चार चार बनाता है, देख लो प्लस चार बना रहा है, ये प्लस चार प्लस छह बना रहा है, प्लस छह वाली कंडीशन घटती जा रही है, इसमें तो प्लस चार और प्लस छह दोनों ही नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए, हो गया, धन्यवाद।